हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल 12 बजे के आसपास नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए फिज़िक्स के लिए अनाउंस किया गया था, जो कि तीन लोगों के बीच में डिवाइड किया गया है, जिसमें दो लोगों का एक अलग कंट्रीब्यूशन है और एक का अलग कंट्रीब्यूशन है। जो कि तीनों लोगों का जो नाम है वो है रोजर पेनरोज, डॉक्टर रोजर पेनरोज, जो कि काफ़ी रिनोन्ड मैथमेटिकल फिजिसिस्ट एज वेल एज थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। फिर और जो बाकी दो लोग हैं जिनका एक ग्रुप है, उनमें है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, जो कि एक वुमेन है और काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने एक वुमेन एम्पावरमेंट का। तो यहाँ पर ये जो प्राइज़ दिए गए हैं, ये किस वर्क के लिए दिए गए हैं? इन्होंने ऐसा कौन सा जो है पार्ट ब्रेकिंग वर्क किया हुआ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही में से मैं ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन मानता हूं, क्योंकि आपको पता है कि तीन लोगों हैं लेकिन एक सिंगल इंसान को पूरी हाफ ऑफ दी प्राइज़ मनी जाएगा। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली रोजर पेनरोज का है। लेकिन इन सबको जो बेसिक आइडिया है कि किस चीज़ के लिए मिला है, वो है प्रिडिक्शन ऑफ ब्लैक होल्स थ्रू द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैं आज आपको बहुत ही छोटे, बहुत ही ब्रीफ वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ ब्लैक होल फर्स्ट प्रिडिक्टेड इन दी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अराउंड 1916। एंड सेकेंडली, जो रोजर पेनरोज है, जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस प्राइज़ में, उन्होंने क्या किया था इस चीज़ को लेकर। हालांकि बहुत सारी बातें कल कल से आ रही हैं, पोस्ट वगैरह क्रिएट हो रहे हैं कि दैट रोजर पेनरोज वॉज दी कलीग ऑफ द स्टीफन हॉकिंग इन द इन हिज वर्क ऑफ हॉकिंग रेडिएशन एंड एंट्रोपी ऑफ द ब्लैक होल्स, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि उनको जो ये मिला है उनको उस वर्क के लिए नहीं मिला है जैसा कि मुझे लगता है उनको मिला है पेनरोज डायग्राम से रिलेटेड, जो हमें बताता है कि व्हाट इज़ द पाथ, व्हाट इज़ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल नियर द इवेंट होराइजन, नियर द सरफेस, नियर द बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक होल, इवन नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स। सो मैं आपको उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो समझना चाहते हैं वो बैचलर्स के हैं या मास्टर्स के हैं, तो मे बी उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों आई थी। बिकॉज जब 1905 में, यानी 1905 में, आइंस्टाइन्स का जो स्पेशल रिलेटिविटी का जो थ्योरी है वो पब्लिश हुआ था, इसमें हम क्या पता लगाते हैं? इसमें आइंस्टाइन ने हमें दो पोस्टुलेट्स दिए हैं। पहला, कि स्पीड ऑफ लाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्रेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हमेशा कॉन्स्टेंट होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ इस स्पीड से ज़्यादा या इसको अप्रोच नहीं कर सकती। दूसरा पॉस्टुलेट ये है कि फिजिक्स के सारे लॉज सेम होते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बट उन्होंने इसको, अपनी इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की जब वो न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा क्या होगा अगर मैं इनर्शियल फ्रेम को रिप्लेस कर दूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और फिर वो सारी ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की उन्होंने। तो उन्हें पता चला कि जो जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है वो वैलिड नहीं है आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं है। तो फिर इन्होंने इस पर सोचने शुरू किया, और फिर जनरली आप ये कह सकते हैं कि वही एक उनका एक थॉट था जहाँ से उन्होंने सोचना शुरू किया अबाउट दी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहता है हमें जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में? जस्ट आपको दो चीज़ों से आपको समझ में आ सकती है। पहला, कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ही चीज़ को समझाने के दो अलग अलग तरीके हैं। यानी बेसिकली अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ पे ऑब्जर्व करते हैं, सो बेसिकली वो क्या है, फ्री फॉल होता है। सिमिलरली अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेस में ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक वेटलेसनेस हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर वो ग्रेविटी की वजह से है, वहाँ पर वो एक्सेलरेशन की वजह से है। अल्टीमेटली आपको पता भी होगा कि जो वर्ड दिया है न्यूटन ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन की वजह से है। सो वाई वी आर डिफरेंशिएटिंग दीज टू क्वांटिटीज़? तो आइंस्टाइन ने बोला कि दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इन ब्रीफ, कि एक्सेलरेशन ऑन दी अर्थ इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेविटी इन दी स्पेस। सो बेसिकली हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर दूसरा चीज़ उन्होंने ये करके देखा कि लाइट, जो टॉर्च की लाइट होती है, उन्होंने यही चीज़ बाहर स्पेस में दिमाग में थोड़ा सोचा कि अगर हम स्पेस में करते हैं तो लाइट जो है बेंड हो जाती है, ऐसे नीचे की तरफ हो जाती है लाइट। ऐसे जो है अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है और वो एक टॉर्च मारता है इस तरीके से, तो इन स्पेस उससे ऐसा कर्व नज़र आएगा। तो जो लाइट का जो बेंडिंग है वो ग्रेविटी के प्रेसेंस में हो रहा था। ये कहाँ पर है, ये स्पेस की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यही चीज़ अर्थ पे करते हैं, अगर हम यही चीज़ अर्थ पे करते हैं तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा,
अर्थ पे करने से क्या होगा, अर्थ पे अगर हम यही चीज़ करते हैं तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट में मूव करेगी। तो उन्होंने देखा कि जो लाइट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रेजेंस में बेंड हो रही है। अल्टीमेटली लाइट के डायरेक्शन पे, लाइट के डिफ्लेक्शन का जो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही हो रहा है। तो ये सारी बातों का कॉम्बिनेशन उन्हें समझ में आया है कि अल्टीमेटली जो लाइट जो है वो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है वो एक कर्व्ड पाथ होता है, एंड दैट कर्व्ड पाथ इन मैथमेटिक्स आफ्टर सम टाइम जो ग्रॉसमैन नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हेल्प करी थी काफ़ी ज़्यादा आइंस्टाइन की, उन्होंने इसको जियोडेसिक का नाम दिया था। तो जियोडेसिक्स फॉलो करता है लाइट, ना कि स्ट्रेट लाइन जैसा कि हम छोटी किताबों में पढ़ते हैं। सो बेसिकली वहाँ से इनको आइडिया आया था कि हो सकता है कि ये जो हमारा स्पेस टाइम है, हम बेसिकली स्पेस और टाइम को अलग अलग करके नहीं रख सकते जैसा कि आइंस्टाइन का कहना था। स्पेस एंड टाइम जो है हमारा, क्योंकि किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी इवेंट जो हमारे आसपास हो रही है उसमें स्पेस के साथ साथ टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हमारा स्पेस टाइम कॉन्टिनम है या स्पेस टाइम सिस्टम है पूरे यूनिवर्स में, उसमें जो कर्वेचर होता है, उसमें जो बेंडिंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मास, एनर्जी, मोमेंटम, जो भी उस स्पेस में होगा, एनर्जी होगा, मास हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से जो कर्वेचर फॉर्म होता है उस स्पेस टाइम में, दैट गिव्स अस अ नोशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट दैट द एक्शन एट अ डिस्टेंस वाला फोर्स। जैसा कि न्यूटन ने हमें बताया था कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी डिस्टेंस पर, उनके बीच में एक इनविजिबल टाइप फोर्स होती है, दे गॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर। बट ऐसा नहीं होता है अगर कोई एक हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट, मास अगर हम स्पेस टाइम में रखते हैं, उसका कर्वेचर ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू दैट कर्वेचर इफेक्ट बाकी सारे प्लैनेट्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके चारों ओर एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैथमेटिकली तरीके से शो करने के लिए आइंस्टाइन को चाहिए थी काफ़ी टफ मैथमेटिक्स, उसको समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम पर आइंस्टाइन के पास इतनी अच्छी सोच होने के बाद भी उतनी मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, तो फिर उन्होंने हेल्प ली ग्रॉसमैन की, एंड देन ग्रॉसमैन हेल्प हिम कि आप उसको मैथमेटिकली तरीके से फॉर्मलाइज करें, क्योंकि एक कंप्लीट थ्योरी के लिए आपको तीन स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आइडिया, योर थाट्स, प्लस मैथमेटिकल इक्वेशंस, एंड प्लस प्रिडिक्शंस, प्लस ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपको ऑब्जर्वेशंस भी बतानी होगी तभी आपका वो कंप्लीट थ्योरी ऑफ फिजिक्स का बाहर निकल के आता है। तो फिर उनकी हेल्प से जो इक्वेशन बनी, जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के नाम से फेमस हुई, उसे हम लिखते हैं इस तरीके से। देखिए ये होता है आर म्यू न्यू माइनस हाफ जी म्यू न्यू आर प्लस, अभी ये वाला टर्म अभी हम हटा सकते हैं बिकॉज दैट टाइम यहाँ पर ये टर्म नहीं था, एडविन हबल की वजह से वो टर्म ऐड हुआ था जिसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखी होंगी। यहाँ पर जो टर्म्स यहाँ पर जो हैं, जो मैंने लिखे हैं, ये टर्म्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, ये जो ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसे हम बोलते हैं रीमान टेंसर। इसे क्या बोलते हैं हम? रीमान टेंसर, क्योंकि ये रीमानियन ज्योमेट्री से, बगैर रीमानियन ज्योमेट्री से ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं वो फ्लैट स्पेस टाइम के लिए होता है। बट यहाँ पर जैसा कि आइंस्टाइन का थॉट था कि यहाँ फ्लैट स्पेस टाइम नहीं है, यहाँ पर कर्व्ड स्पेस टाइम है, जो प्लैनेट्स या मास, जो एनर्जी कर्वेचर क्रिएट करते हैं। तो कर्व्ड स्पेस टाइम के लिए हमें न्यू मैथमेटिक्स चाहिए थी जिसे हम रीमानियन ज्योमेट्री के थ्रू समझ सकते थे। तो ये रीमान टेंसर है, और बेसिकली व्हाई वी यूज द टेंसर इन जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, बिकॉज यहाँ पर 3D तक बात सीमित नहीं है, वी हैव टू एक्सटेंड आवर नोशन टू द फोर्थ डायमेंशन स्पेस टाइम। कि हम स्पेस की बात करते हैं टाइम के फोर्थ डायमेंशन, तो बेसिकली टेंसर यूज़ करने का मतलब है कि यहाँ चार इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उन चारों में ही आपस में कुछ रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई वी यूज़ द टेंसर एनालिसिस, नॉट द वेक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है इसे हम बोलते हैं रीमान टेंसर, दूसरा जो ये जी म्यू न्यू है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक टेंसर, एंड ये जो आर होता है इसे हम बोलते हैं रिकी स्केलर, विच गिव्स यू अ कर्वेचर स्केलर ऑफ एनी कर्व्ड स्पेस टाइम। एंड द राइट हैंड साइड, दीज ऑल आर द कॉन्स्टेंट्स। आपको पता ही होगा यहाँ सब कॉन्स्टेंट है, जी का मतलब है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, एंड टी म्यू न्यू इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रेस, एनर्जी और मास, मोमेंटम जो भी है,
स्ट्रेस एनर्जी टेंसर बोलते हैं इसको बेसिकली, क्योंकि स्पेस टाइम में जो एनर्जी का जो वेरिएशन है वो हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। कहीं पर अगर ज़्यादा मास होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट एक ही मैट्रिक्स बना दिया जाता है और उस मैट्रिक्स में सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, स्ट्रेस, सारी चीज़ें हम उसमें लिख लेते हैं। सो ये इस इक्वेशन का मतलब है बेसिकली। अगर आप देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, ये पूरी की पूरी, ये हमें कर्वेचर के बारे में आइडिया देता है, और जो राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एनर्जी थ्रू आउट द यूनिवर्स उसके बारे में बताता है। फिर अब हम, ये तो होगी आपका आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, काफ़ी छोटे तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है, आई होप कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में गई होंगी। थोड़ा समराइज कर देता हूँ, आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हम इसको 12 वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं, तो जॉन व्हीलर ने हमें बताया है कि मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व, मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व एंड स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। ये जो दो लाइन्स हैं इससे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आइंस्टाइन की वर्ड में समझेंगे तो क्या पहला प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस मीन्स देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ एंड ग्रेविटी इन द स्पेस, एंड सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट इनविजिबल काइंड ऑफ एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पेस टाइम कर्वेचर कॉज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस टाइम। सो दीज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आती हैं। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसमें बहुत सारे हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ होते हैं, और इसको डिराइव करने में आइंस्टाइन को तकरीबन 10 से 11 साल लग गए। और 1917 में आइंस्टाइन का पहला जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश हुआ था। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं था, मैंने आपको एक तरीके से आइडिया दे दिया कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज़ होती है। हमारा मेन टॉपिक है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और इसको कैसे प्रिडिक्ट किया गया था। तो देखिए क्या था कि ये तो एक इक्वेशन है, और आपको पता होगा इन मैथमेटिक्स इन सिंपलेस्ट वर्ड हर एक इक्वेशन का एक सोल्यूशन ज़रूर होगा। एक इक्वेशन आपने लिखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका सोल्यूशन ज़रूर होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि ये इक्वेशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एज वेल एज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम बताता है, तो हमें अलग अलग बॉडीज़ के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम जो इस चैलेंज को जिसने एक्सेप्ट किया था उसका नाम था कार्ल श्वार्ज़शील्ड। आप जानते होंगे कार्ल श्वार्ज़शील्ड को, आई होप कि कार्ल श्वार्ज़शील्ड को हर कोई जानता है, क्योंकि इवन अब प्लस वन की किताबों से लेकर यानी 11th क्लास की किताबों से लेकर PhD तक की किताबों में ये मेंशन होता है। बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे कि ब्लैक होल जो ये टर्म है, ये टर्म पहली बार कॉइंड हुआ था जॉन व्हीलर के द्वारा। बट द मेन आइडिया, इवन मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मैं बात बता दूं, इससे पहले मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूटोनियन ग्रेविटी का यूज़ करके भी इस ब्लैक होल टाइप मटेरियल का खोज किया था मैथमेटिक्स में, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज न्यूटोनियन ग्रेविटी अल्टीमेटली सबको उस टाइम 1850 तक लग गया था कि न्यूटोनियन ग्रेविटी जो है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मॉडर्न एरा था, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हाँ ये कोई फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है। क्योंकि क्वेश्चन, जब इंसान में सोचने की प्रवृत्ति, सोचने की ताकत बढ़ती है तो वो डाउट करता है, लेकिन आंसर्स नहीं थे पहले। लेकिन जैसे ही आइंस्टाइन ने 1906 और 1907 से सोचना शुरू किया, तो फिर अल्टीमेटली वो इस पे पहुंचा और उसने पूरी ग्रेविटी की जो नोशन है, जो डेफिनेशन है, वो चेंज करके रख दी। तो मिशेल नाम के इंसान ने 1763 के आसपास ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं स्पेस में बताया था, हालांकि न्यूटन का तो स्पेस टाइम से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने क्या किया उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके, हालांकि वो अपने अंतिम दिनों में था, इन द सेंस कि एक बीमारी से भी वो जूझ रहा था जिससे वो इलाज नहीं करा पा रहा था। तो 1916 में, इवन पब्लिश होने से पहले ही उसने पेपर्स पढ़े थे आइंस्टाइन के, तो 1916 में उसने बोला कि मैं इस पेपर को मैंने पढ़ा है और मुझे लगता है कि मैं इसका एक सबसे जनरल सोल्यूशन बता सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि जैसा मैंने अभी आपको ऊपर इक्वेशन बताई है, इस इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड हैं, इस राइट हैंड साइड को ज़ीरो कर दिया, मीन्स इसे हम बोलते हैं वैक्यूम इक्वेशंस, वैक्यूम फील्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड ज़ीरो करने का मतलब है कि
कि हम टी म्यू न्यू जीरो कर रहे हैं। टी म्यू न्यू जीरो करने का मतलब है कि हम उस स्पेस टाइम में कोई भी मैटर और एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अब ये चीज़ चेंज हो गई है। अब हमें पता है कि देर आर सम वैक्यूम एनर्जी, वी कैन नॉट इग्नोर दैट टर्म टी म्यू न्यू इज इक्वल टू जीरो क्वांटम फ्लक्चुएशंस, बट ये क्वांटम ग्रेविटी के इंट्रोडक्शन के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन अब बन के रह गई, इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइंस वैक्यूम फील्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को जीरो पुट कर दिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अगर हम कंबाइंड नेम दे देते तो इसे कैपिटल जी म्यू न्यू लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन टेंसर बोलते हैं। बेसिकली मतलब वही है, मतलब जो इसकी और शॉर्ट फॉर्म निकल के आएगी इक्वेशन की, वो जी म्यू न्यू इज इक्वल टू जीरो। तो आप अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे शॉर्टेस्ट इक्वेशन बट सबसे टफेस्ट इक्वेशन क्या है सॉल्व करना, तो जस्ट से जी म्यू न्यू इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज इस इक्वेशन में जो ये आर म्यू न्यू है, जी म्यू न्यू है, इनको सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्रिस्टोफल सिंबल्स, रिमानियन टेंसर्स, उन सब के कैलकुलेशन से निकल के आती है। और टेंसर थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ हो जाती है, बट मैपल जैसे सॉफ्टवेयर्स आपका ये काम आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, देखिए मैंने बोला सोल्यूशन होना ज़रूरी है हर इक्वेशन का, तो वो सोल्यूशन होता है एक मैट्रिक। मैट्रिक आप जानते होंगे, आई होप, मैट्रिक इज नथिंग बट दी लाइन एलिमेंट बिटवीन दी टू पॉइंट्स इन द स्पेस टाइम, ठीक है, ऐसा होता है। मैट्रिक का नोशन जो है हमारे पास ये होता है, जहाँ पर जी म्यू न्यू एक मैट्रिक टेंसर है। अब अगर फ्लैट स्पेस टाइम होगा तो हमें पता है कि ये वन और वन होगा, ठीक है, जीरो और जीरो होगा, ये इंडेक्स डिफरेंस नहीं हो सकते, डिफरेंट नहीं होते हैं, फ्लैट स्पेस टाइम है और जी म्यू न्यू भी वन होता है। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको वन और वन रखूँगा तो डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पता है फ्लैट स्पेस टाइम में दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इतना ही होता है, लेकिन कर्व्ड स्पेस टाइम होगा तो जी म्यू न्यू की वैल्यू भी वैरी करती है, ठीक है, जी म्यू न्यू की वैल्यू भी वैरी करती है, और आपका ये जो म्यू है और ये जो न्यू है, सॉरी, ये डिफरेंस होता है। म्यू और न्यू जीरो से लेकर फोर तक जा सकता, थ्री तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फोर डायमेंशन स्पेस टाइम है हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद होता है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है एक मैट्रिक फाइंड करना। और फर्स्ट टाइम इन 1917 श्वार्जशील्ड डिड दिस वर्क एंड डिराइव्ड हिज मैट्रिक, एंड दैट मैट्रिक, उसी मैट्रिक से कुछ चीज़ें पता चलें कि भैया जो मैट्रिक बन रहा है उसमें पता चल रहा है कि हमने लिया तो था वैक्यूम सॉल्यूशन, यानी बेसिकली हमने वैक्यूम कंसीडर किया था, बट वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें अगर हम कुछ एजप्शन करते हैं उसका रेडियस और उसके मास को लेकर, तो पता चलता है कि वहाँ एक डेंस ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सकता है, डेंस ऑब्जेक्ट उस स्पेस टाइम में अवेलेबल हो सकता है, विच इज़ नॉट अ विजिबल मैटर और एनर्जी, क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी जीरो पुट किया हुआ है। तो क्या चीज़ हो सकती है वो, एंड देन 1919 और 1920 जॉन व्हीलर केम एंड देन ही कॉइंड द टर्म दैट ऑब्जेक्ट, दैट इनविजिबल, दैट प्रिडिक्टेड ऑब्जेक्ट इज अ ब्लैक होल। बिकॉज वहाँ पर पता चलता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस मैट्रिक से, मैं यहाँ मैट्रिक नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक है बड़ी सी, तो उस मैट्रिक के कैलकुलेशन एजप्शन से पता चलता है कि अगर हम उसके रेडियस को, कोई ऑब्जेक्ट के रेडियस को, उस श्वार्जशील्ड जो रेडियस होती है उसको पता होगा आपको, बहुत ही बेसिक है, आर एस इज इक्वल टू 2gm ओवर सी स्क्वायर। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट के रेडियस को श्वार्जशील्ड रेडियस से छोटा कर देते हैं तो वो अल्टीमेटली ज़ीरो वॉल्यूम की कोई चीज़ हो जाती है, काफ़ी डेंस हो जाता है, और ग्रेविटी इन्फिनिट अमाउंट से काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और अगर ग्रेविटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जैसा कि आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है, लाइट वापस नहीं आएगी क्योंकि बेंडिंग काफ़ी तेज़ होगी लाइट की, और लाइट हमारे पास वापस नहीं आएगी। तो अगर हमारे पास लाइट वापस नहीं आती है, सो वी कैन नॉट सी व्हाट इज़ गोइंग देयर एंड व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड देयर ब्लैक होल, तो उसको हमने नाम दिया ब्लैक होल है वो। तो ब्लैक होल का प्रिडिक्शन का हिस्ट्री यही है कि किस तरीके से श्वार्जशील्ड ने इसको प्रिडिक्ट किया था आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करके। हालांकि उतने ज़्यादा इसको वैल्यू पता नहीं क्यों नहीं दी गई, मे बी इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल वर्क। एंड आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत सारे प्रिडिक्शंस ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं, आपको पता होगा अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी, किताबें वगैरह पढ़ी हैं, इसलिए बोलता हूँ आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ा करिए। फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और प्रिडिक्शंस हो पाए, जैसे कि मरकरी का प्रिसीजन, उसके ऑर्बिट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, फिर आपका
स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है और एक्चुअल पोजीशन है उसके बीच में डिफरेंस, क्योंकि लाइट जो है सन से बेंड हो जाती है, बहुत सारे जो है प्रेडिक्शंस हैं। इनफैक्ट कि आइंस्टाइन इस तरीके से अपने आप को मानता था कि जब एडविन हबल ने बोला कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया अपनी इक्वेशन में, सो दैट कि दोनों साइड जो हैं इक्वेशन के वो बैलेंस रहें, मतलब वो गलत नहीं हो पाए। ऐसा था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन। एडविन हबल गलत हो सकता है, वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी वो थ्योरीज चल रही है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग और नॉट, एक्सेलरेटिंग और नॉट, तो वो चीज़ें हमारा अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड व्हाट इज अ ब्लैक होल। नाउ व्हाट पेनरोज डिड, पेनरोज ने क्या किया इस काम में, मतलब रोजर पेनरोज का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या कोविड की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आपको प्लानिंग सही तरीके से आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिस सेट्स बहुत कम हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपके असाइनमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, डाउट्स आपके पास हैं लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं किससे पूछें, इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आज ही डाउनलोड करें एन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड स्टडी थ्रू द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स विद द हेल्प ऑफ डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स, कोर्सेज विद PDFs एंड लाइव टेस्ट एज वेल एज क्विजेस। यहाँ पर आपको सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिलेंगे, आपको सीखने को मौका मिलेगा इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू, और इतना ही नहीं, आपका फेवरेट मैं अमित कुमार झा बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाला हूँ अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर कि मैं आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस देने वाला हूँ डेली IIT जैम फिजिक्स के लिए, एज वेल एज हम लोग जो इन एसोसिएशन विद अनअकैडमी सोच रहे हैं कि TIFR और जेस्ट के लिए डेडिकेटेड एक कोर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आपको IIT जैम के साथ साथ इन टफ एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में भी काफ़ी हेल्प मिले। सो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम दी एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल्स ऐप स्टोर। ये ऐप बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, और इस ऐप पर आपको अपनी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपके भाई बहन जो भी IIT JEE या SSC CGL जितने भी टाइप के आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, सभी टाइप के एग्जामिन, इनफैक्ट अब आप चेस के कोर्सेज भी सीख सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन द ऐप फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग द अनअकैडमी वेरी 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 सून। तो मैं आपको बता दूं, रोजर पेनरोज का मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है उसका पेनरोज डायग्राम इन ब्लैक होल्स। पेनरोज डायग्राम ये क्या होता है, देखिए आपको समझना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर स्पेस टाइम की बात करें तो स्पेस टाइम में जो लाइट होता है वो 45 डिग्री के साथ ट्रैवल करता है, मीन्स एक लाइट कोन बनता है। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ऐसा, ठीक है, एक रोम्बस बना दिया। यहाँ पर क्या है, ये आपका है, इधर हमारा जा रहा है इन्फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, और इधर हमारा जा रहा है इन्फाइनाइट टाइम, ठीक है, ठीक है, और इधर है हमारे पास, ये इसका सिंगुलैरिटी है ब्लैक होल का, और ये है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अपना कोई एक लाइट कोन बनाता हूँ, बेसिकली लाइट हमेशा 45 डिग्री से ट्रैवल करती है, तो अगर मेरा लाइट कोन यहाँ बनता है तो देखिए मेरा फ्यूचर जो है अभी भी कहीं ना कहीं टाइम में अवेलेबल है, कुछ परसेंटेज ऑफ दी जो फ्यूचर है वो टाइम में अवेलेबल है। अगर मेरा लाइट कोन ये होता है, अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ फ्यूचर है, ये मेरा पास्ट होगा, ऐसे ये लाइट कोन बनते हैं ऐसे, लेकिन जब मैं ये बेसिकली ये इसका इवेंट होराइजन का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका इवेंट होराइजन का पोर्शन है, यानी बेसिकली जो सरफेस मैंने अभी आपको बताया था ब्लैक होल का, और ये सिंगुलैरिटी है ब्लैक होल का, ये क्या है, सिंगुलैरिटी है। उसके बाद तो आप भूल जाइए कि कुछ आपको दिखेगा भी कि पास्ट फ्यूचर क्या है। सो बेसिकली जब आप इवेंट होराइजन में पहुंच जाते हो, बेसिकली आपका जब लाइट कोन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास कोई फ्यूचर नहीं, आपका जो भी चीज़ है वो फ्यूचर ऑफ ब्लैक होल के तरफ होगा। जो भी आपको फ्यूचर में पता चलने वाली बातें हैं वो अब आपका ब्लैक होल में जाके होगा, आपको पास्ट आपका कुछ पता नहीं चलेगा। सो बेसिकली द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर द इवेंट होराइजन इज डिफाइंड बाय ड्रॉइंग द पेनरोज डायग्राम फॉर अ गिवन ब्लैक होल। ये सिंगुलैरिटी की तरफ फिर आप बढ़ जाते हो, आपका पास्ट कुछ नहीं होगा, यानी जैसे अब आपको पता है लाइट कोन क्या होता है, लाइट कोन में बेसिकली मैं आपको बता दूं तो लाइट कोन में हमें ये पता चलता है कि यहाँ अगर मेरा प्रेजेंट टाइम है तो जो पास्ट होगा वो इसी लाइट कोन, जो पास्ट जो होगा वो मेरे फ्यूचर को इफेक्ट तभी करेगा जब मेरा फ्यूचर और पास्ट दोनों एक सेम लाइट कोन के अंदर होंगे।
अगर मेरा फ्यूचर इधर है तो मैं नहीं पता लगा पाऊंगा कि मेरा पास्ट क्या था, या मेरा पास्ट इधर है तो मैं ये नहीं पता लगा पाऊंगा कि मैं मेरा फ्यूचर यही होगा। तो बेसिकली लाइट कोन जो ये जो हम हमारा जो अभी टाइम चल रहा है ना, वो हर किसी का एक अपना अपना लाइट कोन है। बेसिकली यूनिवर्स में इन्फाइनेट नंबर ऑफ लाइट कोन्स हैं। सो बेसिकली जो लाइट कोन्स का बिहेवियर है किसी पार्टिकल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए नियर द इवेंट होराइजन, वो डिफाइंड होता है पेनरोज डायग्राम से। इस वर्क के लिए, और ये काफ़ी फैसिनेटिंग वर्क है, क्योंकि जो श्वार्जफील्ड ने हमें बताया उसने बस हमें इतना बताया कि इवेंट होराइजन एग्जिस्ट करता है, देर इज अ स्फेरिकल बाउंड्री अराउंड दैट स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो कि हम स्टैटिक मानते हैं, नॉन रोटेटिंग मानते हैं और स्टेशनरी मानते हैं। तो लेकिन इवेंट होराइजन के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोसीड करता है तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो नहीं बताया था। तो पेनरोज ने इस चीज़ को किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया। मैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ते हो तो आपका जो भी वेक्टर होगा वो सिर्फ टाइम लाइक वेक्टर होगा। आप स्पेस के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है, और आपका टाइम काफ़ी तेजी से डायलट होगा, और आपका फ्यूचर जो है वो जो भी होगा वो ब्लैक होल के अंदर होगा। आपको अपने स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, आपके पास्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सो इसी को हम बोलते हैं स्पागेटिफिकेशन, जो इन लॉजिकल वर्ड हम यूज करते हैं। सो दिस इज अ पेनरोज डायग्राम एंड दिस इज वॉट पेनरोज डिड इन द फील्ड ऑफ ब्लैक होल्स प्रिडिक्शंस एज वेल एज इन जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इनके बहुत सारे काम हैं, इनके हॉकिंग रेडिएशन इन्होंने पेपर्स लिखे हैं स्टीफन हॉकिंग के साथ, फिर एंट्रोपी ऑफ द ब्लैक होल्स से रिलेटेड भी बहुत अच्छा वर्क है। इवन अब वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी अच्छा काम करते हैं, इंडिया में भी वो काफ़ी बार आए हुए हैं, आइजर तिरुवनंतपुरम में आए हुए हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी एक बार आए हुए हैं, बहुत बार उन्होंने इंडिया का जो है विजिट किया हुआ है। तो ये पेनरोज हो गया। अब हम एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर छोटा सा 2-3 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाई इंडिया इज नॉट एबल टू गेट अ नोबेल प्राइज इन पर्टिकुलरली फिजिक्स। देखिए मैंने एक वीडियो तकरीबन 1.5 साल पहले बनाई भी हुई थी, 1.5 साल पहले, कि व्हाई इंडिया इज नॉट गेटिंग अ नोबेल प्राइज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है कि सर इनको मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है। सीवी रमन को छोड़ के आप बात करेंगे तो जिनको भी मिला हुआ है, हिज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन इन द फॉरेन कंट्री। वो बहुत मतलब 90% ऑफ हिज वर्क उन्होंने बाहर किए हुए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में काम किए हुए हैं। सो अल्टीमेटली अगर कोई ये बोलता है सुंदर पिचाई एक इंडियन ऑरिजिन है और वो टाइकून है, बट दैट ही इज अ टाइकून, बट इंडियन ऑरिजिन होने से वो इंडिया का नहीं हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसने जो पढ़ाई करी हुई है, उन्होंने जो पढ़ाई करी हुई है अपनी, वो बहुत सारी पढ़ाई बाहर से करी हुई है, MS हो गया, MBA हो गया, और उनको ज़्यादातर फ़ायदा वहीं से पढ़ने पे मिला है। लेकिन इसका मतलब मैं ये मेरी इस बात को ये कभी मत लीजिए कि इसका मतलब इंडिया की एजुकेशन जो है या इंडिया की जो रिसर्च लेवल है वो कम है। हम ये ज़रूर जानते हैं कि इंडिया में भी काफ़ी मेहनती साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे अशोक सेन जैसे साइंटिस्ट हैं, राजेश गोपा कुमार जैसे साइंटिस्ट हैं, और सिराज मिनवाला जैसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जैसे साइंटिस्ट हैं, सुनील मुखी आइजर पुणे के, बहुत ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपना वर्क डेफिनेटली अपने हिसाब से 100% 110% करते हैं। और बहुत ही ऐसे कम स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको पता होगा कि अशोक सेन बहुत कम किसी से मिलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने स्टूडेंट्स के फेवर में अभी रिसेंटली क्वांटम फील्ड थ्योरी में लेक्चर स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए अगर जो क्वांटम फील्ड थ्योरी में जाना चाहते हैं। तो इंडिया नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीत रहा है? द ओनली प्रॉब्लम इज द फंडिंग इन द थियोरेटिकल फिजिक्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। रिसेंटली इंडिया ये देखता है कि दूसरी कंट्री किस चीज़ पे काम कर रही है, हम उसी चीज़ में फंडिंग देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होगा कि कोई साइंटिस्ट है, उसके पास आइडिया है, वो इस चीज़ में पेपर्स लिख रहा है, और वो पेपर्स इंटरनेशनली कोलैबोरेटेड हैं, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको जो स्विट्जरलैंड जो स्विस है जहाँ पर ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस का जो ये वोटिंग वगैरह होता है, आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज़ में अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है। आपको कोलैबोरेशंस बनाने पड़ेंगे नोबेल प्राइज़। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर साइंटिस्ट के अंदर वो बात नहीं है कि हम कोलैबोरेशन करके बातचीत करके यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके प्राइज़ ले लें। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपको कोलैबोरेशंस बढ़ाने पड़ेंगे और बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि आप फॉरेनर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जैसे किप थॉर्न भी आए हुए हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट को आप बुलाइए और आपके साइंटिस्ट बाहर जाएं। इसके लिए क्या चाहिए? एक बहुत ही अच्छी फंडिंग चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर पैसे से नहीं होती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी रिक्वायरमेंट है। हालांकि कागज़ों पे हमें बहुत कुछ मिलता है कि हाँ साइंस एंड टेक में इतना इन्वेस्ट हो गया,
बट साइंस एंड टेक में हुआ है, बट साइंस के किसी एक फील्ड में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंजीनियरिंग में, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको इन्वेस्ट साइंस में भी करना होगा, खास तौर पे फंडामेंटल साइंस में तो बहुत ज़्यादा करना होगा, अपने कोलैबोरेशंस बढ़ाने होंगे, चाहे वो नाइजीरिया हो, स्विट्ज़रलैंड हो, कनाडा हो, जापान हो, कोरिया हो, हर किसी के साथ आपको कोलैबोरेशन बढ़ाने होंगे। यूएस के साथ है, बट आपको बाकी देशों के साथ भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि आप सिर्फ यूएस को नहीं कह सकते कि यूएस में ही साइंटिस्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी दिमाग है उनके पास, हर कंट्रीज़ के पास ऐसे जेम्स होते हैं, इवन चाइना के साइंटिस्ट भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं उनका, क्योंकि हम इंसान के लेवल से कंट्री की जो डिस्ट्रीब्यूशन से हम इंसान के ब्रेन लेवल को नहीं बता सकते, इसीलिए हमें कोलैबोरेशंस ज़रूर बढ़ाने होंगे। तो यही इशू, सबसे मेन इशू यही है फंडिंग का। और दूसरी चीज़, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एक इंटरनेशनली लेवल पर ज़रूर रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर हमारे पास IITs हैं, ISC है, IISER हैं, HRI है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को, इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एक इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एटलीस्ट आप एक महीने में 10 से 15 वेबिनार्स करवाइए, इससे कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। 140 रैंक बहुत ख़राब होती है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर एक IIT को, एक टॉप IIT को एटलीस्ट 50 के अंदर होना ही चाहिए, काफ़ी लेट हैं। इनफैक्ट मैं सोच सकता हूँ कि आगे कुछ 10-15 सालों में ये रैंक 110-120 तक हो जाएगी, लेकिन और भी अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इंडिया क्यों नहीं जीत पा रहा है नोबेल प्राइज़? अपने ज़रूर व्यूज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत इससे मुझे भी सीखने को मिलता है कि हाँ आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं, पॉलिटिक्स को छोड़ के, बिकॉज वी नो जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगी ही। साइंस एंड टेक में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका क्या व्यूज़ हो सकता है, ज़रूर लिख के मुझे बताइए। कोई भी चीज़ आपको दिक्कत है, इनफैक्ट यहाँ मैंने कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करी है, मैंने बस आपको आइडिया दिया है कि किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ मिला है और क्या वर्क किसने किया हुआ है। बाकी जो दो साइंटिस्ट हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर बाकी दो साइंटिस्टों ने क्या किया है, जो चीज़ अभी हमने समझी है ये कम्प्लीटली मैथमेटिकल है। यहाँ पर बात आती है इनकी ऑब्जर्वेशंस की, कि ब्लैक होल सच में है भी या नहीं। तो एक तो रेनहार्ड गेंजल है और एक जो है एंड्रिया गेज हैं, जो वुमेन है इसमें, उन्होंने और वो जो उनके टीम जो पार्टनर हैं, उन्होंने सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया हुआ है बाय टेकिंग दी पिक्चर्स, और एक तरीके से पूरा टेलीस्कोप बना दिया था पूरे अर्थ को, पूरे चारों तरफ टेलीस्कोप्स वगैरह लगा के, बहुत जगह लगाए थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्टार के मोशन को अराउंड द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, M87 था मोस्ट प्रोबेबली। तो देखा कि स्टार की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और फिर घट जाती है, बढ़ जाती है मीन्स जो इलिप्स जो है वो इलिप्स में कहीं ना कहीं उसकी स्पीड घट जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड इनको ये चीज़ नॉमिनेट किया गया था और इनको प्राइज़ दिया गया है। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर जुलाई में आपने ब्लैक होल की एक इमेज भी देखी होगी, मुझे लगता है 95% वो इमेज करेक्ट है। अगर आपको इसको समझना है डिटेल्ड में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो इमेज कैसे ऑब्जर्व करी और किस तरीके से हम समझ सकते हैं उस इमेज को। तो ये जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई होप कि आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, और ख्याल रखिए अपना। कोई भी चीज़ आपके पास डाउट आता है, पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने IIT जैम की वीडियो पे, कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो डाउट्स होते हैं वो कैसे क्लियर करें अपने, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं। सो गुड बाय, टेक केयर।